नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 की आंसर की को लेकर एक बड़ी अपडेट आप लोगों के लेकर आया हूं। जैसा कि आप लंबे समय से आंसर की को लेकर इंतजार कर रहे थे और अभी एसएससी की तरफ से वेबसाइट पर हलचल शुरू हो चुकी है और अभी अगर आप एसएससी की जो ऑफिशियली साइट है उसमें जाके या जो लिंक है आंसर की चेक करने का उसमें जाके आप चेक करते हैं तो अभी फिर से एक बार लिंक है उसे एक्टिवेट किया गया है। कुछ समय के लिए इसे हटा दिया गया था और अभी जो समय दिया गया आंसर की को लेकर वो क्या समय दिया गया है मैं पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई नई वाली वेबसाइट पर आप लोगों की आंसर की जारी होने वाली है और आप सभी को पता है नई वाली वेबसाइट पर सर्वर इतना ज्यादा डाउन चल रहा है जिसकी वजह से आंसर की अगर अपलोड भी की जाएगी तो कुछ समय के लिए आप चेक नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि डायरेक्टली जो लिंक है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो भाई टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लेना, बेस्ट एग्जाम भाई बाबू भोजी। साथ ही मैं लिंक वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा तो वो ज्वाइन कर लेना। साथ ही आपको जैसे आंसर की का लिंक है वो आंसर की जारी हो डायरेक्टली वहीं से आप लोग अपनी आंसर की है वो चेक कर पाएंगे उसी लिंक से। बाकी वेबसाइट पर सर्वर काफी ज्यादा डाउन चल रहा है उसकी वजह से आप हो सकता है कि एक या दो या तीन दिन के लिए भी आंसर की चेक ना कर पाए तो आपको डायरेक्टली वाला जो लिंक है वो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। अभी आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएससी की डायग्राम की ये जो साइट है उस पर मैं आप लोगों को एक बार रेफरेंस करके दिखा देता हूँ। ये साइट है मैंने रेफरेंस किया है अभी इसमें क्या अपडेट आ रही है फिर से एक बार लिंक है उसे एक्टिवेट किया गया है। कुछ समय के लिए इसे हटा दिया गया था उसके बाद में काफी वीडियोस वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे जिसमें आपको बताया जा रहा है कि भाई वेबसाइट पर लिंक है वो हटा दिया गया, नहीं हटाया, फिर से एक्टिवेट हो चुका है लिंक। जिन बच्चों ने नहीं देखा एक बार आप देख लीजिएगा, साफ साफ लिखा गया सारी की सारी अपडेट यहां पर आप देख सकते हैं। लॉग इन टू फॉर्म विल बी अवेलेबल ओनली बिटवीन 2 अप्रैल 2024 11:00 टू यहां पर आप देख सकते हैं 2 अप्रैल 2024 12 hours, मतलब यहां पर जो आपकी आंसर की है वो रात को 11 बजे से लेकर रात को 12 बजे के बीच में आप लोगों की आंसर की जारी होगी। अगर सब कुछ सही रहा तो भाई आंसर की रात को अपलोड की जाएगी, हो सकता है उससे पहले भी अपलोड हो जाए लेकिन अभी सर्वर पर काफी ज्यादा वेबसाइट पर काफी ज्यादा हलचल चल रही है उसकी वजह से ऐसा ही लग रहा है कि एसएससी की तरफ से आंसर की वगैरह कुछ ना कुछ अपडेट है वो किया जा रहा है। अभी फिर से ये नया लिंक एक्टिवेट हुआ है क्योंकि आप सभी को पता है सर्वर काफी ज्यादा डाउन चलने के बाद में अभी एसएससी यही सोच रही है कि रात को 12-1 बजे के लगभग अगर हम आंसर की अपलोड करें तो उस समय थोड़ा ट्रैफिक वगैरह कम होगा, उससे आसानी से अपलोड भी हो जाएगी और बच्चे आसानी से चेक भी कर पाएंगे। तो भाई ये वाला जो लिंक है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे रहा हूं, जो भी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है भाई डायरेक्टली ज्वाइन कर लेना। फिर आप ऐसे मत बोलना कि सर आंसर की आ गई लेकिन हम चेक नहीं कर पा रहे क्योंकि वेबसाइट नहीं है, सर्वर डाउन की वजह से हो सकता है कि आपको 1 से 2 दिन का आंसर की का इंतजार भी करना पड़ सकता है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि एसएससी जीडी भर्ती के रिगार्डिंग हर एक अपडेट आप सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और आगे आने वाले इन्फ्यूचर हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही मैं बता दूं जो भी बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं उन सभी को बता दूं आप लोगों के लिए यूट्यूब पर क्लासेस हमने शुरू कर दी है, जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए शाम को 7:15 पर यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 2018 का जो आपका एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चंस आप लोगों को हल करवाए जा रहे हैं मैथ रीजनिंग जीके वगैरह, तो भाई शाम वाली क्लास भी आप जरूर लेना। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।